जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही, ये तो उदाहरण ही सामने है कि पियोगे तो मरोगे, यही तो बात है। क्या हो गया, क्या हो गया? अरे बोल रहे हो। कहते हैं हर चमचमाती होर्डिंग्स के पीछे का हिस्सा काला होता है। बात चाहे प्रगति की हो या फिर पावरफुल हुक्मरानों की, सामने सब कुछ बेदाग दिखाई देता है, लेकिन उसी होर्डिंग के पीछे का हिस्सा गहरा काला होता है। कुछ ऐसा ही हाल बिहार का है। जी हाँ, सुशासन बाबू वाला बिहार, शराबबंदी वाला बिहार, प्रगति के पथ पर बेधड़क दौड़ते दावों वाला बिहार। बिहार में शराब पर शिकंजा है, लेकिन जहरीली शराब से मौतें बदस्तूर जारी हैं। जिम्मेदार जोर तो खूब लगा रहे हैं कि शराब बिहार के बॉर्डर से बाहर निकल जाए, लेकिन अफसोस कि इसकी जड़ इतनी गहराइयों तक है कि उखाड़ते उखाड़ते शायद सरकारें नीलाम हो जाएंगी। तभी तो खुद प्रदेश के मुखिया ये मान चुके हैं कि शराब पीने वाले मरेंगे। सीएम नीतीश कुमार सीधे तौर पर मान लिए हैं शराब पर संपूर्ण पाबंदी संभव नहीं है, इसलिए लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही, ये तो उदाहरण ही सामने है कि पियोगे तो मरोगे, यही तो बात है। तो इसीलिए इसके बारे में तो दुख प्रकट करना चाहिए और उन जगहों पर जा करके समझाना चाहिए। आप देख रहे हैं ना, हम कितना बड़ा अभियान चलाए, समाज सुधार अभियान, और उसको निरंतर जारी करवाते हैं कि साहब लोगों को समझाइए, बताइए, खराब चीज है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ करता ही न है। बिहार के छपरा जिले में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब तक 33 लोगों के मरने की खबर सामने आई है। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अजीबोगरीब बयान देकर सबको चौंका दिया। गुरुवार को विधानसभा के बाहर पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि जो शराब पिएगा वो मरेगा। बिहार में जहरीली शराब से मौत कोई नई बात नहीं है। मुख्यमंत्री यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि देश भर में लोग जहरीली शराब से मरते हैं। विपक्ष शराब के मुद्दे पर केवल राजनीति कर रहा है। जब बिहार में शराबबंदी नहीं थी तब भी अन्य राज्यों में लोगों की मौतें होती थी। लोगों को खुद सतर्क रहना चाहिए। चूंकि यहाँ शराबबंदी है तो कुछ ना कुछ नकली बिकेगा जिससे जान जाएगी। शराब खराब है, इसका सेवन नहीं करना चाहिए। अब ये हिदायत है या खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हार, जिन्होंने बिहार को शराब मुक्त करने का वादा किया था, लेकिन वो कहते हैं ना कि कभी कभी पाबंदियां ज्यादा खतरनाक होती हैं। बिहार में शराबबंदी की आड़ में शराब का जो काला कारोबार शुरू हुआ उसने अब तक सैकड़ों जिंदगियों को तबाह कर दिया है, जिसे रोकने में अब सरकार भी अपने हाथ खड़े कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज की खबर।